महाराष्ट्र विधानसभा में बीजेपी के 12 विधायकों को एक साल के लिए विधानसभा से निलंबित कर दिया गया है। आरोप है कि उन्होंने स्पीकर की कुर्सी पर विराजमान भास्कर जाधव के साथ अमर्यादित व्यवहार किया। बीजेपी ने इस कार्यवाही का कड़ा विरोध जताया है। बता दें कि महाराष्ट्र असेंबली में आज एक प्रस्ताव पारित किया गया जिसमें केंद्र से 2011 की जनगणना के आंकड़े उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया। इससे राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग को ओबीसी आबादी का डेटा तैयार करने में सक्षम बनाया जा सके ताकि स्थानीय निकायों में राजनीतिक आरक्षण बहाल किया जा सके। इसी मुद्दे पर कार्यवाहक स्पीकर और बीजेपी नेताओं में गर्मा गर्मी हो गई, जो बाद में हंगामे में तब्दील हो गई। कार्यवाहक स्पीकर भास्कर जाधव ने कहा, जब सदन स्थगित हुआ तो बीजेपी के नेता मेरे केबिन में आए और विपक्ष के नेता देवेंद्र फर्नांडिस और वरिष्ठ नेता चंद्रकांत पाटिल के सामने मुझे गालियां दी गई। उन्होंने संसदीय मामलों के मंत्री से इस मुद्दे की जांच करने की बात कही है। राज्य के संसदीय कार्य मंत्री अनिल परब ने विधायकों को निलंबित करने का प्रस्ताव पेश किया जिसे ध्वनिमत से पारित कर दिया गया है। अनिल परब ने कहा कि इन 12 विधायकों को निलंबन की अवधि के दौरान मुंबई और नागपुर में विधानमंडल परिसर में प्रवेश करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। निलंबित हुए विधायकों में संजय कुंटे, आशीष सेलार, अभिमन्यु पवार, गिरीश महाजन, अतुल भाथकलर, पराग अलवानी, हरीश पिंपले, राम सातपुते, विजय कुमार रावले, योगेश सागर, नारायण कुचे और कीर्ति कुमार बंगड़िया के नाम शामिल हैं। वहीं विपक्षी नेता और पूर्व सीएम देवेंद्र फर्नांडिस ने इस कार्यवाही पर विरोध जताया है। फर्नांडिस ने कहा, यह एक झूठा आरोप है और विपक्षी सदस्यों की संख्या को कम करने का प्रयास है। ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि हमने स्थानीय निकायों में ओबीसी कोटे पर सरकार के झूठ को उजागर किया है। उन्होंने कहा कि भाजपा सदस्यों ने पीठासीन अधिकारियों को गाली नहीं दी। बीजेपी विधायक इस कार्यवाही के विरोध में सदन की कार्यवाही का बहिष्कार करेगा। मैं इतना ही कर सकता हूं कि तालिबानी पद्धति से सरकार चलाने वालों को भी शर्म आ जाए। ऐसे नए तालिबानी ये शिवसेना कांग्रेस और राष्ट्रवादी कांग्रेस के लोग हैं। इनका स्वरूप नया तालिबानी इस प्रकार से ही किया जा सकता है। इस प्रकार से ये लोग महाराष्ट्र में कारोबार करने का प्रयास कर रहे हैं। पूरे सदन ने देखा, प्रेस गैलरी ने देखा कि जहां पर ओबीसी के आरक्षण को बचाने के लिए हमारे विपक्ष के नेता देवेंद्र फडणवीस जी बात कर रहे थे, उनको बात नहीं करने दिया गया और इसके खिलाफ स्वाभाविक कानूनन तरीके से अपना त्रागा व्यक्त करने के लिए जो भाजपा के सदस्य पीठासीन अधिकारी के यहां पहुंचे, उनको भी शांत करके नीचे लाने का काम ये स्वयं मैंने किया।